लास्ट कौन सा था? ब्रिंकियलिस। थर्ड मसल कौन सी थी? ब्रिंकियलिस। ब्रिंकियलिस ओरिजिन कहाँ से होती हैं? ओरिजिन बाइसेप ब्रिंकियलिस मसल्स ओरिजिन कहाँ से होती हैं? जो ह्यूमरस का लोअर हाफ है सबसे नीचे वाला, वहाँ से दोनों साइड से निकलती हैं, लेटरल साइड और मिडियल साइड। ह्यूमरस के लेटरल साइड और मिडियल साइड दोनों साइड से निकलती हैं लोअर हाफ नीचे से। लिख देते हैं, एक पॉइंट ही लिखना है इसको, लोअर हाफ। लोअर हाफ ऑफ द फ्रंट, ऑफ द फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन के सबसे नीचे के पार्ट में पार्ट से ओरिजिन होती है, और इंट्रामीडियली और इंट्रालेटरली सरफेस दोनों साइड से होती है, इंट्रामीडियली और इंट्रालेटरली। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इंट्रो इंट्रालेटरल एंड इंट्रोमीडियली। दोनों साइड से नीचे निकलती है। अब इंसर्ट कहाँ होती है? इंसर्ट कहाँ होती है? कॉर्नर प्रोसेस अल्ना 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 ट्यूब्रोसिटी। कॉर्नर प्रोसेस जो ह्यूमरस की कॉर्नर प्रोसेस होती है और अल्ना ट्यूब्रोसिटी में इंसर्ट होती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कॉर्नोइड प्रोसेस, कॉर्नर प्रोसेस एंड अल्ना ट्यूब्रोसिटी। नर्व सप्लाई कौन सी करती है? वही नर्व सप्लाई कुटनस नर्व। नर्व सप्लाई मस्कुलो कुटनस नर्व। मस्कुलोकुटानस नर्व इज मोटर, मोटर करती है, सेंसरी नहीं करती है। सेकेंड रेडियल नर्व भी करती है इसको। एक और नर्व करती है रेडियल नर्व। इसका एक्शन क्या है? इसका एक्शन क्या है? इसका एक्शन फ्लेक्सेस फोर आर्म को फ्लेक्शन करने में हेल्प करती है एल्बो जॉइंट से। फ्लेक्सेस फोर आर्म इट द एल्बो जॉइंट।